कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच का बटा हुआ फैसला आया है। एक जज ने कर्नाटक सरकार के हिजाब बैन के फैसले को सही ठहराया है तो दूसरे जज ने गलत। नतीजा ये हुआ कि अब ये मामला बड़ी बेंच के पास जाएगा। एक दिन बाद रिटायर होने जा रहे जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही बताया, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले और राज्य सरकार के आदेश को रद्द करने का आदेश दिया। कौन है जस्टिस धूलिया और उन्होंने अपने फैसले में क्या कहा, आइए आपको बताएं। जस्टिस धूलिया ने कहा, मेरे लिए विचार का प्रमुख मुद्दा मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का था। उन्होंने कहा कि हिजाब मजहब का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, इस पर विचार की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ एक चॉइस से जुड़ा सवाल है, ये पसंद से जुड़ा मसला है। मेरे लिए जो सबसे ऊपर था वो लड़कियों की शिक्षा थी। लड़कियों को स्कूल जाने से पहले घर का कामकाज निपटाना पड़ता है और हम उनकी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने गलत रास्ता पकड़ा है। ये आर्टिकल 19 और 25 से जुड़ा मामला है, ये पसंद से जुड़ा मामला है, न इससे कुछ ज्यादा और न इससे कुछ कम। मेरे लिए लड़कियों की पढ़ाई का सवाल सबसे अहम है। क्या हम उनके जीवन को कुछ बेहतर कर रहे हैं? मेरे मन में यही सवाल था। मैंने 5 फरवरी के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है और प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। अब जानिए कौन है जस्टिस धूलिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने से पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 1960 में जन्मे धूलिया के पिता केसी धूलिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं। जस्टिस धूलिया ने 1981 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, 1983 में मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स किया और उसके बाद 1986 में LLB की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। 1 नवंबर 2008 को वो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। जनवरी 2021 में वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और इसी साल 9 मई को वो सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। बहरहाल जस्टिस धूलिया की राय के उलट जस्टिस हेमंत गुप्ता ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब समेत सभी तरह के धार्मिक पोशाकों पर प्रतिबंध से जुड़े कर्नाटक सरकार के सर्कुलर को सही बताया। उन्होंने हिजाब बैन को सही ठहराने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका को खारिज कर दिया। अब चूंकि इस मामले में दोनों जजों की राय बटी हुई है, इसलिए ये केस अब चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है, जो इस मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे। ये केस संवैधानिक बेंच को भी सौंपा जा सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश लागू रहेगा, यानी कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन जारी रहेगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।